दर्शन लाइफ में करवाओ ना हो दर्शन करवा आज लड़की मलाई दर्शन गर्छ है केटीले अब हेर्नु दर्शन खै दर्शन के क्या दर्शन ये केटीले अब पैसे निकालो पैसे में तो नहीं 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 अब सही वाला करो तो पैसे दो पैसे 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 इधर है किधर है वॉलेट बाहर रखे दो पैसे दोगे तो मैं नहीं नहीं अदरवाइज नहीं अरे हाँ इट्स जस्ट लाइक सलामी नहीं पैसे मिलेंगे गाइस पैसे मिलते मुझे बताया इन सब ने वो बस ऐसे ही बोल रहे नहीं 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 पैसे मिलेंगे तो मैं करूंगी चुपचाप दर्शन करा अली फिर मत एक टुपी नाम ना पड़े पैसे पैसे काम नहीं होती नहीं पैसे भाग्यनी भए एकदम ठुली भए अझै अनि दारीहरू न सबै काटेर राम्रोसँग नआओस् के नि अनि मोटो छौ पातलो भए सबै स्लिम भए शिल्पा सेट्टी जस्तै फिगर भए शिल्पा सेट्टी जस्तै फिगर भए अनि मलाई 15-20 चिन्टु दिए चिन्टु चिन्टी 15-20 बिल्ली के बिल्ली सम्झाए क्या मेलाई बिल्ली भए थोरै खाए अब अलि धेरै खाने बाँकी छ है नानी ओके अनि मलाई के अरे बिहान उठ्ने बेला के अरे बुढा चिया खान्छौ कि चुप्पा खान्छौ भन्ने सोध्यो ये बोलो बुढा चुप्पा खाने कि चिया खाने बुढा चिया खान्छु कि चुप्पा खान्छौ बुढा चिया खान्छ या चुप्पा खान्छ खान्छा के कान्छा बोल्यो क्या मुझे चुप्पा खान्छौ कि चिया खान्छौ कि चुप्पा खान्छौ ओके ओके बुढा चिया खान्छ कैसे बोलो चुप्पा खान्छ बुढा चिया खान्छौ कि चुप्पा खान्छौ बुढा चिया खान्छु या चुप्पा खान्छु या थप्पड़ खान्छु अरे थप्पड़ एक थप्पड़ ही सही है थपक जैसा जब मैं जाऊंगा तुम आके ये बोलना ठीक है बुढ़ा चिया खाने की चुप्पा खाने पर आप तो चाय नहीं पीते हाँ तो इसलिए मैं चिया नहीं बोलूंगा चुप्पा बोलूंगा ना तो इसलिए तो चुप्पा वाली ऑप्शन रखा माय गॉड समझ नहीं आती है ना सुबह सुबह मुझे बुढ़ा चुप्पा खाने की चिया खाने बोलना okay, मैं बोलूंगा चुप्पा खाने और आके चुप्पा दे के चल देना ओके बुढ़ा चिया खान चाहो या चुप्पा खान चाहो चुप्पा खत्म फिनिश क्या नहीं है क्या नहीं तुम्हें लाई चुप्पा नहीं है हाँ नहीं खत्म फिनिश तुम्हारे लिए नहीं है बैन है हाँ हाँ सुना सुना लाइफ लाइफ सुना क्यों लाइफ सुने के इवेंट में जाऊंगा ना मैं अभी इवेंट में जाके हाँ 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 प्लीज प्लीज पैसे तो पैसे टिकट लगते गाने सुनने अरे यार करो ना यार लोगों ने इतने ऑटो ट्यून करके पता नहीं क्या क्या बना रहा था तुम्हारा तो माय गॉड गीता दो गीता ये किसने मुझे लड़की बना दी अभी चलो हाँ एक बारी प्लीज प्लीज गिटार के यार बिना यार कसम से वो मजा नहीं आता प्लीज चाय आंख बंद करके क्यों बताए मुझे कोई कि प्यार क्या होता है चल रहा हूं मैं तेरे ही राह पे जो तुमसे सीखा तुमसे सीखा तुमसे सीखा ओके ये तेरी मेरी बातें ना समझे कोई आते जाते क्यों क्यों माया का कुरा हरू न सिकाओ अब मलाई पाई सके सबै कुरा तिमी बाट मैले मैले वाओ वाओ माय गॉड कितना मज़ा आया
वाओ और एक और बार प्लीज प्लीज वो वहां से वो अब छोड़े दियो दुनिया पाके भी तुमको खोने से डरता हूँ ये था क्या ये ही प्यार है अब छोड़ी दे दुनिया को परवाजे चुमाजा तिमीले गर्दा तिमीले गर्दा वाओ अमेजिंग अब ये बोलते कि लोग ये बोलते कि ये समझने ही गाने अब इसमें क्या है कि अब छोड़ी देऊ दुनिया को पर बाजे छुम आज तिमीले गर्दा तिमीले गर्दा समझने ही इतना इजी तो है आर यू इन पाकिस्तान नो नो नहीं लोग मतलब वो हो गई यार हिंदी और नेपाली है ना दोनों तो पता नहीं चल रही है थोड़ी मिक्स मैक्स हो गई ना तो समझ में तो टाइम लगेगी यार मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग यार कि मतलब हिंदी और नेपाली एक साथ मतलब एक ही कंपोजिशन में करना और लास्ट वाला पार्ट भी एक बार गा दो ना कौन लास्ट वाला कौन बातें करूं तेरी परछाइयों से डूबा रहूं तेरी ख्वाबों में अब रोको वाओ करो पहले मना मुझे अब मैं नाराज हूँ तुमसे ठीक है तो मैं एडिट करती करूंगी मना में अरे ओए मना ये नहीं मनाओ मत नहीं नहीं मनाओ मुझे पहले प्यारी प्यारी बातें करो क्या मैं नाराज हूँ तुमसे तुम्हें ये खेलना आते देखो तुम्हें हमारे नेपाल की गेम सिखाता हूँ ये करो इधर पिंच करो अरे इतनी जोर से पिंच मत करो पागल ऐसे करो पकड़ो इधर हाँ ऐसे करो तुम्हारे भी हाथ ऐसे होना चाहिए हाँ ऐसे यस ची मुसी ची बिराले खान म्याऊ में अरे मोटी क्या खींच रही हो अभी जा नख मत करो पागल तुम्हारी स्किन ही नहीं है ची मुसी ची बिराले बन सा म्याऊ म्याऊ बिलाल भाई खाया म्याऊ म्याऊ ओके फिर से बिलाल बिल्ली खा दे नहीं तो तुम्हारे जेब तो अभी तक मतलब बचा नहीं होता है ना ची मुसी ची मा छु मोटो तिमी मोटो क्या तिमी मोटो ये तिमी तिमी पागल जन नक्स मत करो चुपचाप बोलो जो मैं बोल रहा हूँ गाने ची मुट सी ची मा छु मोटो मा छो राम रो ये हेलो अरे क्या हो गई ले देखो क्या तुम मुझे चील समझ रहे हो क्या कैसे लगी कैसी और किस टाइप की मतलब ये बोलो 15K शेयर्स इतना तो कभी भी नहीं हुआ इसके गाइस 10 मिलियन कम ऑन 24K शेयर्स हुए थे मेरी व्हेन जब नेपाल आए थे फर्स्ट ठीक है 24K शेयर हुई थी तब या या कम ऑन गाइस डबल टैप होंचा हीरे मोती मैं ना चाहूं मैं लिरिक्स के बुझी ना रहे अलीस राम से सुन ना लिरिक्स ना बजे तक पूरे होने नहीं क्या बोल रहे लिरिक्स समझ नहीं आई बोलते नेपाली और हिंदी यार वो अच्छे से सुनिए आपको समझ आ जाएगी आपको लिरिक्स समझ में नहीं आई उसको समझ आ गया आपको कैसे समझ नहीं आई यार अमेरिकन लिरिक्स ये 1 मिलियन लोग है भी लोगों को समझ में आ रही है और 14K लोगों ने कमेंट किया है 155K ने सराहा है फिर भी आपको समझ में नहीं आई ब्रो आप गोस या डॉक्टर सच में एक कुछ तो मसला है म्यूजिक ज्यादा है तो क्लासिकल सॉन्ग है गाइस म्यूजिक ज्यादा होना ही पड़ता है मतलब सबकी अपनी अपनी जनर होती है ठीक है तो उसी यहाँ से जानते हैं क्योंकि यार हमें मतलब उस टाइप से नहीं बनाना म्यूजिक को मतलब मारना नहीं है जैसे कि अभी के कहते जो तो हमें मतलब ये म्यूजिक को इस टाइप में लेने है कि जैसे
पुराने पुराने जब रियल आर्टिस्ट लोग थे, पहले पहले लेजेंड्स, वो लोग जिस टाइप्स में करते थे उसी टाइप में जानी है. हमारे खुद की करके ये गाने वाने की जो है ना, ये कल्चर सब, ये संस्कृति नहीं मारनी हमें. तो इसीलिए तो क्लासिकल सॉन्ग है असल में, इसके जॉनर क्लासिकल सॉन्ग है, कोई हिप हॉप या रैप वैप टाइप की गाने नहीं है. ठीक है, असल में पॉप सॉन्ग ये नहीं है. तो इसीलिए इसमें क्या है कि तबला, पियानो, हारमोनी, फ्लूट, गिटार, इन ये सब यूज़ हुई है इसमें. ठीक है, स्नेयर भी यूज़ हुई है. और वही है म्यूज़िक तो मुझे सबसे पसंद, तो मुझे इसकी मतलब म्यूज़िक बहुत अट्रैक्टिव लगती है ये गाने की हमारी, और इसलिए मैंने वो ट्रैक भी अलग से रखा हूँ मेरे पास इसकी. और वही है, अब जितने को मतलब बस ये है कि मतलब खुद की जो आती है वही बनाते हैं हम, कि मतलब किसी को पसंद आए ना आए उसमें कोई मायने नहीं रखती. असल में बोले तो मतलब एक होती है कि लोगों को हमें क्या होती है, लोगों को जो हम बनाते खुद की जो पसंद बना के देते तो उसमें हम जज करते कि कितनों की अच्छी लगेगी, कि मैं किस टाइप के म्यूजिक बनाता हूँ. ठीक है, अब उनको वो पसंद नहीं आई तो दूसरी बार मतलब और शायद उसमें कुछ कमी हो गई इसलिए पसंद आई, तो दूसरी बार उससे बेटर करने की ट्राई करते, बस वही ये बात. तो ठीक है, फिर भी मतलब इतना सपोर्ट मिली यार. हाँ, हर किसी की अपनी अपनी फीडबैक होती है, वी रिस्पेक्ट दैट. बट द थिंग इज, जब एक आर्टिस्ट है जैसे कि आयुष, अगर उसने अपनी जोन से निकल कर थोड़ी अलग ट्राई किया तो वी शुड अप्रिशिएट हिम. हां, ये तो अलग है, बहुत अलग है. इट्स मुझे जैसे कि बिकॉज़ ही नोस कि उसको हिंदी बोलने वाले लोग देखते हैं, अब वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या फिर बांग्लादेशी हो, तो उसने उसमें भी ट्राई किया है, उसने काफ़ी काम किया. एकदम से वो प्रोनंसिएशन नहीं आती है, वो चीज़ नहीं आती है. ये जैम है. क्या कर रहा है ये जिन? नहीं, जैम नहीं है, मामा है. उधर जाके सुनो जाओ. हाय लीजे, हाय, वॉइस क्लियर नहीं है. क्लियर है वॉइस, नॉट क्लियर. क्यों वॉइस नॉट क्लियर? देखो क्या है, कि ना क्यों आ रहा है. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. So it's just like that, you know, के we should appreciate him because a person who is speaking बचपन से नेपाली, और for him singing in Hindi it's a very different thing. वो भी इस तरीके से, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो तो ठीक से बात भी नहीं कर पाते, but he is improving day by day. Just like Arjit Singh, he's Bengali. उन्होंने कितना अपने आप को polish किया है, सब कोई वो भी नहीं लगा सकता दैट ही इज बंगाली. सो या, त्यो गाइस यार, होप दामी होस् है, अनि हाम्रो जुन मान्छेले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ अहिले चाहिँ होइन गीतमा, अनि रियली रियली एकदम धेरै धेरै रेस्पेक्ट माया है सबैजनालाई. अनि त्यही हो, अझै दामी दामी गरिन्छ पछि आउने दिनहरू पनि फेरि. और ये चाहे हिंदी बोले, ये चाहे कुछ भी बोले, रहेगा तो ये नेपाली, सब यही बोलेंगे कि ये नेपाली है. सब ये बोलेंगे कि देखा नेपाली की लंडे क्या कर सकते हैं. एग्जैक्टली, सो यू ऑलवेज बोलेंगे कि नेपाल ऊपर ही रहेगा. मेरी बात सुनो इधर, सब ये बोलेंगे कि देखा नेपाली, नेपाल का लंडा क्या कर रहा है, पाकिस्तानी लड़की को पटा के शादी कर ली. हिंदी और नेपाली गाने बना के, हिंदी गाने नेपाली बना के नाम, मतलब ये गाने इतना हाइप में चली गई. So you know, काम है? Exactly. आयुष काम नहीं है, नेपाल का नाम ही रहेगा. क्योंकि आज मैं आयुष के जब ब्लॉग देख रही थी ना, तो कुछ लोग बोल रहे थे हिंदी क्यों बोल रहा है, हिंदी क्यों बोल रहा है. रहेगा तो वो नेपाली, वो अपने आप को हमेशा रिप्रेजेंट ही नेपाली करता है. वो हर किसी का मतलब उसका जो सॉन्ग है वो भी नेपाली है. आप लोग सबसे ऊपर हो, तो क्या आप लोग हो तो हम हैं. बाकी वी होप आप लोगों को गाना अच्छा लगा. तो गाइस यार, और तक की बनो यार. तत वालेकुम सलाम, कैसे आप सागर दाई? अस्सलाम वालेकुम दाई.